नमस्कार, मैं राहुल कुमार। कोरोना वायरस को देश में दस्तक दिए हुए एक महीने से ऊपर हो चुके हैं। प्रधानमंत्री ने जब लॉकडाउन की पहली घोषणा की थी तो लगातार नेगेटिव खबरों का बाजार गर्म था। उसी बीच सरकार ने फैसला लिया था कि रामायण को, जो इंडिया में इतना पॉपुलर था एक समय में 1980s में, उसको दोबारा टेलीकास्ट करेगी, दूरदर्शन पे ऑन ईयर होगा दूरदर्शन पे, जिसकी वजह से काफी लोग खुश थे। 1987 से लेकर 1988 के बीच में टेलीकास्ट होने वाला रामायण रामानंद सागर द्वारा डायरेक्ट किया गया था और इस शो को न सिर्फ शहर के लोग, यहाँ तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी खूब पसंद किया गया। करीब 33 साल के बाद ये द्वारा टेलीकास्ट हुआ। करीब 28 मार्च को इसका टेलीकास्ट दूरदर्शन पे किया गया, 9 बजे सुबह और 9 बजे रात को इसका 2 टाइम टेलीकास्ट किया गया। और आज जब लॉकडाउन द्वारा बढ़ा दिया गया है तो इस शो को भी विदा लेने की अब बारी आ चुकी है। जी हाँ, ये शो शनिवार को अब अपना आखिरी एपिसोड दिखाने वाला है। करीब 22 दिन का ये सफर था जब पूरी दुनिया ने दोबारा अपने बचपन को जिया था। जो नए लोग थे उन्होंने पहली बार देखा था, जो पुराने लोग थे उनके बचपन की पूरी कहानियां दोबारा से देखने को इनको सामने मिली, क्योंकि लगातार बहुत सारे शोज भी दूरदर्शन ने ऑन ईयर किया था, महाभारत, शक्तिमान और ऐसे ना जाने कितने शो जो कई लोगों ने बचपन में देखे होंगे। इस शो के बाद लव टू स्टार्ट होगा। इसी के बाद उस समय 1987-1988 के बीच में जब ये शो खत्म हुआ था 88 में, तब लव टू स्टार्ट हुआ था। इसी शो के कैरेक्टर्स उसमें रिपीट होते हैं और ये दोबारा से नेशनल पे इस शो को दोबारा लाया जा रहा है। लेकिन लव टू के सिर्फ एक एपिसोड रात को दिखाया जाएगा, रात के 9 बजे, और सुबह 9 बजे इसका रिपीट टेलीकास्ट दिखाया जाएगा। लगातार दूरदर्शन प्राइवेट चैनल की रेस में बहुत ही पिछड़ चुका था, लेकिन इन शोज के वापस आने के बाद टॉप 5 जितने भी शो अभी पॉपुलर देखे जा रहे हैं, जिसके सबसे ज्यादा व्यूवरशिप है अब तक इंडिया में एंटरटेनमेंट सेगमेंट में, उसमें से 4 दूरदर्शन पे देखे जाने वाले शो बन चुके हैं, जिसमें से रामायण नंबर 1 और महाभारत नंबर 2 पे था। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा दूरदर्शन के व्यूवरशिप बढ़ चुकी है। अब दूरदर्शन पे फिर से रामायण की जगह पे लव कुश आने वाला है, उसको देखने वाली बात होगी कि लोग कितना पसंद करते हैं। धन्यवाद।